गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर फोर पढ़ेंगे क्लास टू के हिंदी चैप्टर फोर में पॉम और टॉम की मित्रता के बारे में दिया है। आज हम लोग जानेंगे कि मित्रता कैसे इंसान के साथ करनी चाहिए और मित्रता क्या होती है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर फोर शुरू करते हैं कहानी को। तो देखिए, पॉम और टॉम बहुत अच्छे मित्र थे। दो बच्चे थे और एक का नाम था पॉम और दूसरे का नाम था टॉम, और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना ये सब बहुत पसंद था। उसके बाद देखिए, एक दिन उन्होंने एक रोमांचक यात्रा पर जाने का विचार किया। उन दोनों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना कहीं हम लोग घूमने जाएँ, कहीं यात्रा पर जाएँ। उसके बाद देखिए, पॉम ने अपना बैग जमाया, यानी कि पॉम ने अपना बैग पैक किया और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में टॉम भी उसे मिल गया। जब पॉम रास्ते में गया कुछ दूर, तो उसके बाद वहाँ पे उसे टॉम भी मिल गया। पॉम और टॉम ने नदी किनारे अपना टेंट खड़ा किया। पॉम और टॉम ने दोनों मिलकर नदी किनारे अपना टेंट खड़ा किया, जहाँ पे वो सब घूम के आता और उसमें आराम करता, खाता पीता और रहता सब। उसके बाद देखिए, पॉम ने दो पेड़ों के बीच एक झूला बांधा और इस पर लेटकर किताब पढ़ने लगा। उसके बाद देखिए, अचानक ही पॉम ने काफ़ी नज़दीक से आ रही भालू की आवाज़ सुनी। वो जब किताब पढ़ रहा था, उसे भालू की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वह डर गया और झूले से नीचे गिर गया। जब पॉम ने आवाज़ सुनी भालू की, तो वो अचानक डर गया और वो झूले से नीचे गिर गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 33 पे। आवाज़ सुनकर टॉम भी टेंट से बाहर आ गया। जब आवाज़ सुना भालू की, तो टेंट में टॉम था और टेंट से टॉम भी बाहर आ गया। उसके बाद देखिए, दोनों घबरा कर अपनी जान बचाकर भागने लगे। जब दोनों भालू को देखे, तो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। अचानक पॉम गिर गया, तो उसने टॉम को मदद के लिए पुकारा। जब दोनों पॉम और टॉम भाग रहे थे, तो अचानक पॉम गिर जा रहा है, तो पॉम ने टॉम से मदद के लिए कहा, पुकारा, किंतु टॉम उसे अनसुना कर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। परंतु टॉम ने पॉम की आवाज़ को अनसुना कर और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब भालू पॉम के पास पहुंचा, तो पॉम ने सांस रोककर मरा होने का नाटक किया। अपनी सांसों को रोक लिया, जिससे भालू को लगे कि वो मर गया है और लेट गया, सांस रोककर लेट गया पॉम। भालू मरा हुआ शिकार कभी नहीं खाता है, इसीलिए पॉम सांस रोककर लेट गया, क्योंकि भालू समझेगा कि ये मर गया है। भालू ने पॉम को मरा समझकर छोड़ दिया और चल दिया। भालू ने पॉम को सूंघा, उसके बाद सूंघकर उसको लगा भालू को कि वो मर चुका है, इसीलिए उसको मरा समझकर उसे छोड़ दिया और वहाँ से भालू चला गया। टॉम ने पेड़ की टहनी पर बैठकर ये नज़ारा देखा, और पॉम का जो मित्र था टॉम, वो पेड़ पे चढ़ गया था, तो वो पेड़ पे चढ़ के इसका ये नज़ारा देख रहा था कि पॉम क्या कर रहा है। उसके बाद देखिए, टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने घुटनों पर बैठकर पॉम से माफ़ी मांगी। टॉम
पेड़ से उतरा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने फॉर्म की मदद नहीं की है, इसलिए उसने फॉर्म से माफी मांगी। एक मित्र जो समय पर काम ना आए वो सच्चा मित्र नहीं है, ऐसा कहकर टॉम अपना बैग लेकर अकेला चल दिया। जब टॉम टॉम से माफी मांग रहा था तो टॉम ने कहा कि एक मित्र जो समय पर काम नहीं आए वो सच्चा मित्र नहीं होता है, और टॉम कहकर चल दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वो मित्र जो मुसीबत में काम आए, जो दुख में हम लोगों का साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। अब देखिए यहाँ पे पॉम की सहायता टॉम नहीं किया। अगर वो सच्चा मित्र रहता तो पॉम की सहायता टॉम जरूर करता, पर ये सच्चा मित्र नहीं था। सच्ची मित्रता वो होती है जो सुख में दुख में मित्र काम आए। इसलिए आप लोग भी मित्र बनिए, सच्चा मित्र बनिए, अपने मित्र की सहायता करिए, सुख में दुख में उसका हेल्प करिए, मदद करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला प्रश्न उत्तर इसका अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। बाय।